टेक्निकल अनबॉक्सिंग चैनल में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वाईफाई डोंगल, और आप वाईफाई एडाप्टर भी कह सकते हैं। तो एक यूएसबी वाईफाई डोंगल के साथ आप कैसे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी और लैपटॉप में लगा के, वो डिटेल्स मैं आप सारी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो जो डोंगल मैंने आपको दिखाया वो मैंने लैपटॉप में लगा चुका हूँ। अभी मैं इसके लिए मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको टीपी लिंक का जो वेबसाइट है उसमें ड्राइवर का डिटेल्स मिल जाएगा। तो पेज आपके सामने ये वाला ओपन होगा, तो इस पेज में जाके आप इसका जो इंस्ट्रक्शन है सेटअप वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टीपी लिंक वाईफाई एडाप्टर जो है ये आपके काम में आएगा कि आपके अगर वाईफाई ख़राब हो गया या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जिसमें वाईफाई आपको चाहिए एक्सटर्नल, तो ये वाला डिवाइस यूज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने डेस्कटॉप के साथ। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में वाईफाई का सिग्नल आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनल वाईफाई मॉड्यूम या एडाप्टर नहीं है लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट, तो ये एक्सटर्नल वाईफाई एडाप्टर है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ड्राइवर मैं मैकबुक में आपको करके दिखाऊंगा। तो मेरे को जो ड्राइवर चाहिए वो मैक वर्जन 10.13.6 वर्जन के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे 10.13 और 10.8 इसके बीच में है, तो इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसमें install.package आपके पास रहेगा, तो अनजिप करेंगे तो install.package का आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी इसको अनजिप कर चुका हूँ। तो install.package को जब क्लिक करेंगे तो आपको एक मेनू इंस्टॉलेशन मेनू आएगा, विंडो आएगा, जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सारे डिटेल्स आप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिनिश होने के बाद। उसके बाद जब रिस्टार्ट होने के बाद जब सिस्टम आप होगा तो आपको वाईफाई का जो सिग्नल्स है और जो डिवाइस है वो डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, और आपको वाईफाई के जितने भी सिग्नल्स कैच कर पा रहा है उसी रेंज में, तो वो सबको आपको दिखा देगा। तो आप सिंपल जैसे आप मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करते हैं सेम उसी तरीके से आप यहीं पर भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ख़त्म होने देते हैं और उसके बाद रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को एक बार। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा, और रिस्टार्ट होने के बाद अभी मैं देखूँगा कि ये वाईफाई सिग्नल टीपी लिंक से आ रहा है, और जो वाईफाई है मेरे घर में तो उसी को ये डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं अभी नेटवर्क में जाके आपको दिखाऊँगा कैसे कनेक्ट करते हैं। ये अभी इथरनेट है, तो मेरे लैपटॉप के साथ इथरनेट कनेक्टेड है, तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर चुका हूँ, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा। अभी इसको मैं टीपी लिंक से कनेक्ट करूँगा, तो पहले मैं नेटवर्क को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद पासवर्ड
अभी आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क एक्टिव हो गया, वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो ये सिमिलर तरीके से जैसे आप मोबाइल में वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, सेम उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी कनेक्ट करने को करना होगा। और अभी मैं कोई भी साइट ओपन करता हूँ और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। देखिए वे वैसे ही काम कर रहा है जैसे नेटवर्क वाईफाई से करता है। एक्चुअली इंटरनल अगर आपके पास वाईफाई मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट होता है तो वैसे जैसे कनेक्ट करता है सिमिलर तरीके से इसको भी ऐसे ही कनेक्ट करेगा और स्पीड भी आपको वैसे ही मिलेगा। ये सारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैकबुक 10.13.6 में किया हूँ मैं। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना, और हमें बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।